हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि एमएस वर्ड में जो स्टाइल्स ब्लॉक रहता है होम टैब में, इसका क्या मायने रहता है, क्या प्रयोग रहता है। देखिएगा, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप हेडिंग 1 एंड 2 का प्रयोग करके आप लिंक विद इन डॉक्यूमेंट और हाइपरलिंक का प्रयोग करके आप विद इन डॉक्यूमेंट आप एक दूसरे से हाइपरलिंक करते हैं। तो इसके कई सारे प्रयोग होते हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी पे निर्भर करता है कि आप इन सब का कैसे प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है और डिफाइन कैसे होता है, क्या आप इसमें कोई बदलाव कर सकते हैं, हम इसके बारे में आपसे बात करना चाहेंगे। तो चलिए, हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट आपके सामने ले लेना चाहेंगे। अपने सामने पैराग्राफ आ गया है, अब आप इसे ऑल सेलेक्ट करिए और यहाँ पे अलग अलग जो आपकी स्टाइल है आप उस पर जाइए। नो स्पेसिंग है मतलब कोई स्पेस नहीं है, अलग अलग यहाँ पे स्टाइल्स हैं, तो मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि ये अलग अलग एक टेम्पलेट बना है कि अगर इसको आप अप्लाई करते हैं तो जितना आपके सामने लिखा है ये इसी तरह से या इसी मोड में ये आ जाएगा। तो देखिएगा, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी अगर आप चूज करते हैं, फिर अगर आप कोई नया अप्लाई स्टाइल करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप जैसे ये डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो जो आपका ये लैंग्वेज है, इसका फॉन्ट का स्टाइल है, इसका साइज है, ये क्या रहता है, ये उसी पे अप्लाई होगा, उसी पे ओपन होगा जो आपने यहाँ पे सेटिंग किया है। तो देखिएगा, अप्लाई स्टाइल्स पे आप जा सकते हैं और यहाँ पे कोई नया आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं किसी पे भी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पे मॉडिफाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे इसका नेम क्या है, लाइक यहाँ पे जो नॉर्मल वाला है, नॉर्मल वाला है, इसका नाम क्या है। देन इसके बाद आप यहाँ स्टाइल्स पे जाएंगे, यहाँ पे फॉन्ट का जो साइज है इसे बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट का टाइप हटा सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं, टाइम्स न्यू रोमन कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। और यहाँ पे जो फॉर्मेट्स का है कि कितना आप, जैसे यहाँ पे देखिएगा कि नो स्पेस आ गया था, कि अगर आप देखिएगा इसके अगर मैं चूज करूंगा, चयन करूंगा, तो यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये रहेगा कि आप इसमें स्पेस कितना देना चाहेंगे। अगर आप इस पर अप्लाई करेंगे तो देखिएगा इस मॉडिफिकेशन के बारे में आ जाएगा, अभी तो मैं नॉर्मल को मॉडिफाई कर रहा था, अभी दूसरा वाला मॉडिफिकेशन के लिए आ जाएगा। तो आप इस तरह से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आप यहाँ पे टैब अलग कर सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं, लैंग्वेज, फ्रेम, नंबरिंग, शॉर्टकट की जितने भी टाइप की यहाँ पे चीजें हैं सब आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो दिस इज पर्टिकुलरली स्टाइल, ये होता है स्टाइल्स ब्लॉक पे, आप किसी पे भी जाके आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसका मेन मतलब ये रहता है कि आपके पास बना बनाया टेम्पलेट रहता है जिसपे आप कोई भी टेक्स्ट को उसी मुताबिक ढाल सकते हैं। अलग अलग पे जाएंगे तो आपको अलग अलग टाइप का यहाँ पे स्टाइल्स मिल जाएगा। असल में स्टाइल्स कोई ऐसा नहीं है कि ये अपने से केवल इसी के लिए पर्टिकुलर ये सेट है। अगर आप इस पे भी जाते हैं, इसे भी आप कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, अप्लाई स्टाइल से आप जा सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जब भी कभी आप इसे एप्लीकेबल करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप इसे ये देख रहे हैं ना इस टाइप का, अगर मान लीजिए चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा, मैं इसे रेड किए दे रहा हूँ। अब आप ये देखिएगा कौन सा यहाँ पे मैंने चूज किया, टाइटल, टाइटल में अभी ये रेड कलर नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने इसे अप्लाई कर दिया रेड कलर हो गया। अब आप कोई भी कलर ले लीजिए, या फिर मान लीजिए चलिए मैं इसे हटाता हूँ ये, और यहाँ पे नॉर्मल पे आ गया, यहाँ पे मैंने कोई भी टेक्स्ट किया, और जैसे ही मैं यहाँ पे जाके टाइटल पे चूज करूंगा, लाइक ऑल क्लिक किया, टाइटल पे गया, पूरा रेड हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिफाइन करते हैं स्टाइल्स, मतलब रहता है प्री डिफाइंड टेम्पलेट। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने का धन्यवाद।